हम ज्योमेट्री को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योमेट्री को बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। वो इसलिए क्योंकि यदि आपका ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो एडवांस लेवल के ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपका ज्योमेट्री का बेसिक अच्छा है तो साथ ही साथ आप मेंसुरेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। मैं तो यही कहूँगी, जब आप मेंसुरेशन पढ़ने से पहले ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड मेंसुरेशन है। हम ज्योमेट्री के बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंड से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो ज्योमेट्री है वह मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। हमें इस गणित की शाखा में लाइन सेगमेंट से बनी हुई बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलती हैं। इन्हीं आकृतियों से मिलकर बहुत सारे फिगर बनते हैं और जिसका हम अध्ययन करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट है यह। और इस आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी कला और संस्कृति भी जुड़ी हुई है, जो एक ज्यामिति की देन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस लाइन जो आप देख पा रहे हैं, इन लाइनों से रेखा खंडों से बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के डायग्राम बने हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यामिति को बेसिक से। बिंदु पॉइंट, बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाता है। पर आप कहेंगे ये चित्र में जो बिंदु बना हुआ है इसकी तो लेंथ और विड्थ है, पर हाँ इस पॉइंट की जो डायग्राम में बना हुआ है इसकी विड्थ और लेंथ है, किंतु आपको जो सही मायने में देखा जाए तो नहीं कि साइड में यह जो बिंदु दिख रही है एरो में, आप देखिए ये जो बिंदु है इससे भी बहुत छोटा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु की कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ यह किसी भी स्थिति को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। यदि आप बहुत सारे बिंदुओं को एक पथ में सीधी अनंत बिंदुओं को ऐसे लगाते जाएं और बढ़ाते जाएं तो आपको इस प्रकार एक सीधा पथ प्राप्त होगा। यही सीधा पथ यदि बनाते जाएं तो अनंत तक जा सकती हैं। तो चलो हम जान लेते हैं लाइन क्या होता है। एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके, इसमें कहा है कि एक सीधा पथ होना चाहिए और दोनों दिशाओं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वह अनंत तक जाना चाहिए। यदि आपको रेखा को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है जिसमें ये एरो दिखी हुई, इसका मतलब यह है कि यह अनंत तक जा रही है। किंतु हमें मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि लाइन मतलब रेखा, रेखा जो है वह अनंत तक जा रही है जिसका मेजरमेंट करना संभव नहीं है। इसलिए लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आया, रेखाखंड, जिसमें दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो। एक लंबी अनंत तक जाने वाली रेखा है, लाइन है। इस लाइन के, जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट सिर्फ स्थिति रिप्रेजेंट करता है, यह जो पॉइंट है वह ए की स्थिति बता रहा है और यह जो पॉइंट है वह बी की स्थिति बता रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई 5 सेंटीमीटर है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इसी ए और बी के बीच की दूरी को ही लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट में हम लंबी अनंत तक जाने वाली लाइन के बीच के पॉइंट से जिसे मेजर किया जा सकता है हम उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड यदि समझ में आ गया तो आपको यह जो पॉइंट है यदि रेखाखंड से ही मिलकर के किरण बनी हुई है। यदि हम लाइन सेगमेंट का किसी एक पार्ट को, कोई भी एक छोर को अनंत तक बढ़ाएं तो हमें किरण प्राप्त होता है।
इस किरण को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बिंदु पता होना चाहिए क्योंकि बिंदु से ही लाइन बनी हुई है और लाइन से ही हमें इस लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आया है और लाइन सेगमेंट से ही हमें किरण बनी हुई है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन, क्योंकि रेखाएं कहीं हैं और रेखाएं का मतलब हमें पता है कि एरो से जो कि अनंत तक जाती हैं, तो हमें सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती समांतर रेखाएं कहलाती हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। यह जो रेखाएं हैं ए और बी, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है ए पैरेलल टू बी। हम इस पढ़ते हैं ए पैरेलल लाइन टू बी। समांतर रेखाएं, हमें रेखा लिखी है तो रेखा यही है, यहाँ पे दो रेखाएं हैं। हम इसे समांतर कब कहेंगे? जब इन दोनों के बीच की दूरियां समान हो और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। संपाती रेखाएं, हम इन सारे चीज में रेखाओं के ही बारे में पढ़ेंगे। हर रेखाएं का रोल अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नाम लिखी हुई है। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक दूसरे के ऊपर, यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ एरो जो बहुत सारी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ये सारी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कह लेती हैं। मान लेते हैं यह एक रेखा और यह एक रेखा, यदि ओ बिंदु पर काटती हैं तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। संगामी रेखाएं, एक ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखा। संगामी, संगम शब्द से मिला होता बनकर बना है जिसका अर्थ जुड़ना होता है। जहां पे यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक से अधिक रेखाएं मिलती हैं, इसलिए इसे संगामी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगामी रेखा में यदि अंतर समझें तो प्रतिच्छेदी रेखा में दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर मिलती हैं, किंतु संगामी रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, दो से अधिक रेखाएं। यहाँ सिर्फ दो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखा में, परंतु संगामी रेखा में दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। लंबवत रेखाएं, ऐसी रेखाएं, दो रेखा ले लीजिए, यह एक रेखा है और यह रेखा है, यदि ये इस टाइप की मिलती हैं कि इनके बीच का कोण 90 डिग्री का बन जाता है तब इसे हम लंबवत रेखाएं, रेखा लाइन या पैरेलल लाइन कहते हैं। दो रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, कुछ रेखाएं दो हैं जो इस प्रकार यदि मिल गई और इनसे 90 डिग्री का कोण बन गया तो हम इसे लंबवत रेखा कहेंगे। त्रियक रेखाएं, यह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है, एक ऐसी रेखा है जो समांतर रेखा को काटती है। समांतर रेखा किन दो रेखाओं के बीच में बनती है, यह ए और बी दो रेखा है, यह समांतर रेखा है। इन समांतर रेखा को यह एक रेखा काटती है तो यह रेखा जो है वो त्रियक रेखा है। इस त्रियक रेखा के काटने से कुछ कोण बनते हैं वो जान लेते हैं। एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण क्या है? जो अंदर की तरफ बनने वाले कोण को ही एकांतर कोण कहते हैं। जैसे ये कोण एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 6, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 5। ये जो ए लाइन है के ऊपर साइड और ये बी लाइन के ऊपर साइड जो आप देख पा रहे हैं, ए लाइन के ऊपर तरफ और ये बी लाइन के ऊपरी तरफ, ए एंगल 5 के बराबर, एंगल 5 के इक्वल है और एंगल
2 एंगल 6 के इक्वल है। अब इस लाइन के नीचे नीचे ये एंगल के नीचे 3 है, ये बी लाइन के नीचे 7 है, ये दोनों इक्वल है, ये ए लिखा हुआ है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो हमें संगत कोण किसे कहते हैं, ये जो आपके पास लाइन ए लाइन है, ए लाइन के ऊपर साइड और ये बी लाइन के ऊपरी तरफ 1 और 5 और 2 और 6 के एंगल हैं जो आपस में बराबर होंगे। इस लाइन के नीचे तरफ 3, 7, 4, 8 ये आपस में बराबर होंगे। अंतःकोण का योग 2 समकोण होता है, एक समकोण 90 डिग्री, 2 समकोण 180 डिग्री। तो अंतःकोण मतलब जो यह एंगल ये 3 और ये 5 जो एक ही तरफ हो, ये 3 और 5 जो एक तरफ है, इन दोनों का एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार ये अंदर तरफ 4 और 6 एंगल का योग 180 डिग्री होता है।